तो दोस्तों, सागर मर्डर मामले ने एक नया ही मोड़ ले लिया है। इसके अंदर बाबा रामदेव का नाम आ रहा है, क्योंकि सुशील कुमार पहलवान जो कि ब्रांड एम्बेसडर थे किसके, पतंजलि के, इसके कारण बाबा रामदेव का नाम इसमें शामिल हो रहा है। और जब से सुशील कुमार की लास्ट लोकेशन उत्तराखंड में आई है, तभी से लोगों का शक और भी ज़्यादा बढ़ गया है कि इसमें बाबा रामदेव का हाथ हो सकता है। और जब से सुशील कुमार उत्तराखंड से गायब हुए हैं, यानी कि उसकी लास्ट लोकेशन उत्तराखंड के बाद नहीं मिली है, उसके बाद से लोगों का कहना है कि इसके अंदर बाबा रामदेव का भी हाथ हो सकता है या नहीं। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें साफ तौर पर नहीं आया है बाबा रामदेव का नाम। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।